हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोधपुर से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी का तहरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ICMR की NIIRNCD की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पे इसे राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जोधपुर कहा जाता है। यहां पर आपको होम पेज पे ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी, जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे NIIRNCD/TECH/01/2023 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट में 2 पोस्ट दिया गया है। लेवल 6 की सैलरी है, 35,400 से बेसिक पे स्टार्टिंग है। टेक्नीशियन में यहां 5 वैकेंसी है। लेवल 2 की सैलरी है जो कि 19,900 से स्टार्टिंग है। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट में 8 वैकेंसी है, यहां पर लेवल 1 की सैलरी है, 18,000 से स्टार्टिंग है। टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। 31 अगस्त 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिटेल्स देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट एंथ्रोपोलॉजी में आपके पास ग्रेजुएशन एंथ्रोपोलॉजी में मांगा गया है, एज 30 ईयर मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से सभी पोस्ट पर फॉलो होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पर BE/BTECH कंप्यूटर साइंस में है या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 12 क्लास पास आउट मांगा गया, साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल भी मांगा गया है, यहाँ पर 28 ईयर मांगी गई है। इस तरह से टेक्निकल CSIT में भी सेम है, 10+2 के साथ में आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। सेम MLT में भी है, 1 ईयर का डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, साथ ही 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस लेबोरेटरी में मांगा गया है। 18 से 25 वाले कैंडिडेट यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, ITI मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में, 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। हॉर्टिकल्चर में भी 10th क्लास के साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। इस तरह से रेफ्रिजरेशन या कंडीशनिंग में भी 10th क्लास के साथ में आपके पास ITI सेम ब्रांच में होना चाहिए। एंड प्लम्बर में भी सेम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एंड ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 10th क्लास के साथ में ITI आपके पास ऑफिस या कोपा या अदर सर्टिफिकेट अदर ट्रेड में होना चाहिए। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। एंड फीस यहाँ पे 300 की फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए है। SC ST BWD वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं मांगी गई है। 31 अगस्त 2023 तक AC काउंटिंग की जाएगी। एंड अदर डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हें 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहना होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है तो इसे PDF फाइल में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक सबसे ऊपर में दिया गया है, तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यहाँ ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। एक नया इंटरफेस पर आ जाएंगे तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल फिल्टर और CMR का भी यहाँ से आप नोटिफिकेशन दिया गया, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये राजस्थान के SOS IT से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।